तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई का एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट वाला है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है सेक की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a, करेक्ट। तो हम देखो sec की पावर 4a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर होता है, तो हम sec की पावर 4a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर। फिर बीच में है माइनस, फिर हमारे पास में है 10 की पावर 4a, इसे भी हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमको a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, और जब भी हमारे पास में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से हमारा ये हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a इंटू में sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, करेक्ट। तो sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर हमारे पास में यहां पर हो गया sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a इंटू में sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। और आपने याद रखना है कि जो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a होता है वो होता है 1, तो इसकी जगह पर आएगा 1। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये हो जाएगा अब हमारा 1। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में है sec स्क्वायर a, और हमें पता है कि sec स्क्वायर a होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यहां पर भी हमारे पास में प्लस में 10 स्क्वायर a है ना। अब देखो यहां पर है 1, लिखेंगे 1, 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर a, करेक्ट। यहां पर 1 इंटू हो रहा है इनके साथ में, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 से इनको इंटू करेंगे तो यही तो आएगा ना। तो यहां पर हमारे पास में आ गया इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 प्लस 2 10 स्क्वायर a, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है उसका राइट हैंड साइड यहां पर हमारे पास में आ गया ना, करेक्ट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल करके दिखाया है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल करके दिखाया, तो हमारा जो इक्वेशन है वो प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।